अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज शाही हलवा। इसे आप सूजी का शाही हलवा भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसे सूजी से तैयार करेंगे, लेकिन आज हम इसे एक अलग मेथड से बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने ली हूँ 1 कप रवा और 1 कप शक्कर। जितना मैंने सूजी ली हूँ उतनी ही मैंने शक्कर ली हूँ, शक्कर यानी कि चीनी। दोनों की मकदार यकसा है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करें तो थोड़ी शक्कर आप कम ले लें, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों को इक्वल लिया है। और उसके साथ मैंने ली हूँ 2 कप दूध। एक ही कप से मैंने तीनों चीज़ों को नापा है। और यह है 1/2 कप घी। घी मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हो, लेकिन घी में इसका टेस्ट अच्छा आता है। 2 अंडे और उसके साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिस्ता, उसको कट कर लिए हैं। और साथ में कुछ काजू को मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और साथ में मैंने ली हूँ लाल और हरी टूटी फ्रूटी। अब ये मैंने इसमें डाल दिया पैन में रवा। पहले हमें सूजी को बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। रवा यानी कि सूजी, कहीं पे इसे रवा कहीं सूजी कहते हैं और इसे सेमोलिना भी कहा जाता है। तो इसे हम पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही भूनना है क्योंकि अगर फास्ट पे हम भूनेंगे तो सूजी फौरन हमारी लाल हो जाएगी लेकिन अंदर तक कुक नहीं होगी। तो इसे मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लूँगी। अगर आपकी सूजी ज़्यादा हो तो आपको भूनने में ज़्यादा वक्त लग सकता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप ली हूँ तो 1 कप के लिए 8 से 10 मिनट काफ़ी है। अब ये देखिए, एक बोल में मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया। 2 अंडे मैंने लिए हैं और 2 अंडे में मैं मिलाऊंगी 2 कप दूध। जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैंने चीनी ली और उसी कप से मैंने दूध लिया है। तो यानी कि सूजी का डबल दूध है। आज ये हलवा हम पानी में नहीं बल्कि इसे दूध में बनाने वाले हैं। और साथ में मैंने ली 1 कप चीनी यानी शक्कर। अब इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें फेंट लेना है। ये बिल्कुल अच्छे से फेंट चुकी हैं तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर हम मिला देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। अगर आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी मिला सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे येलो फूड कलर मिला रही हूँ। और इसके साथ ही हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा वेनिला एसन ताकि इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आए। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें मिला सकते हो। तो ये देखिए, मैंने मिला दिया 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब चलिए हम हलवा बनाते हैं, शाही हलवा। तो इसके लिए मैंने डाला इसके अंदर घी। घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये मैंने घी डाला और घी में हम डालेंगे भुनी हुई सूजी। सूजी क्योंकि भून चुकी है तो तकरीबन ये काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसे सिर्फ 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में। ये देखिए, सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है घी में। अब इसके अंदर हमने जो मिक्सचर बनाया है दूध का, दूध अंडे शक्कर का, ये मिक्सचर मैंने डाल दिया। फ्लेम को मैंने स्लो कर दी हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। और इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम स्लो रहेगी, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसे हम ढाक के तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाने वाले हैं। यकीन जानिए, इस हलवे का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है, बिल्कुल केक की तरह इसका टेस्ट आता है। आप जब एक बार बनाओगे तो बच्चे बार बार आपको ये बनाने के लिए कहेंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस हलवे को आपके घर कोई गेस्ट आए, कोई पार्टी हो तो उसमें भी आप इसे ज़रूर बना सकते हो, या त्योहारों की खुशी में दोबाला कर सकते हो। मैंने हलवे को 8 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से पका लिया। ये देखिए, 8 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, इस तरह का नज़र आ रहा है। ये 90% कुक हो चुका है लेकिन ये अभी काफ़ी ड्राई है। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल ड्राई हो चुका है हमारा हलवा। दूध का मिक्सचर बिल्कुल सूख चुका है और एक एक दाना जो है इसका बिल्कुल अच्छे से पक चुका है सूजी का। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमें चमक पैदा करनी है, शाइन लानी है। तो मैंने थोड़ा सा घी हटा दिया था, 2 चमचे इतना। तो मैं इसमें अब घी डालूंगी और साथ में ड्राई फ्रूट डालूंगी। तो पहले मैं इसमें मिला देती हूँ तमाम
ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट भी मैं आपसे कह चुकी हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और टूटी फ्रूटी से इसमें बहुत ही अच्छा रंग आता है, इसीलिए मैंने इस्तेमाल की है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये मैंने मिला दिए काजू, पिस्ते और टूटी फ्रूटी। ये देखिए, आप चाहें तो किशमिश मिला सकते हो उसकी जगह। इस टूटी फ्रूटी से काफ़ी कलरफुल नज़र आता है, तो ये मैंने इसमें मिला दिया। और इसके अंदर मैं मिला रही हूँ 2 बड़े चमचे घी। इससे ये बड़ा ही शाइनिंग सा टाइप, शाइन इसमें आ जाएगी, चमक आ जाएगी, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठी चीज़ें अक्सर घी में ही बनाई जाती है, इससे ही इसमें टेस्ट आता है। बाकी अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी मैंने। अब इसे हम ढक के तकरीबन 2 से 3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये लीजिए, अब मैं इसे ढक देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है तमाम चीज़ें। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है और अब इसे हम स्लो फ्लेम पर, मैंने इसे 3 से 4 मिनट बारीक फ्लेम पे स्लो फ्लेम पर कुक कर लिया, बिल्कुल दम कर दिया था इसे। और एक बात कहना चाहूँगी कि हलवे को हमेशा बार बार दरमियान से चलाते रहें, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है तो ये बार बार नीचे लगते रहता है। तो अब जब भी इसे ढक के पकाएं तो इसे आप दरमियान में चला लें खोल के, ताकि नीचे ये बिल्कुल ना लगे। तो ये लीजिए, तैयार है ये हमारा हलवा। देखा आपने कितना इसे बनाना आसान था, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से ये बन गया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप इसे ज़रूर तैयार करना। अब इसके अंदर हम एक फ़ाइनल टच करेंगे, क्योंकि हम इसे शाही हलवा बना रहे हैं तो थोड़ा सा शाही टच करना ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सिल्वर चांदी का कवर जो होता है, ई टेबल जो होता है, वो लगाऊंगी इसके अंदर। ऐसे आप चाहें तो स्किप करके आप इसे इसी तरह गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चांदी का कवर लगा देती हूँ। ये रहा कवर, इसे निकालना ज़रा दिक्कत होती है क्योंकि ये हाथ पे बार बार चिपकने लगता है। तो इसी तरह इसे पेपर से ही चिपकाते जाएं, हाथ में इस्तेमाल हाथ का इसमें कम करें, ये उंगलियों पे हाथों में चिपकने लगता है। तो ये देखिए, और थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ बटर पेपर से, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा गर्मा गर्म शाही हलवा, आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, खुद भी खाएं और को भी खिलाएं, और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।